अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शन एक ट्रस को अगर आपको एनालाइज करना है तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इसमें आपको जो मेंबर्स जो जिसके ऊपर निकालना है फोर्स, वही मेंबर के ऊपर फोर्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सारे जो इसमें ट्रस्ट में मेंबर्स होंगे आपको बाकियों पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए ये बहुत कम आपका टाइम कंज्यूम करेगा और बहुत ईजिली आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर अच्छे से समझ लेते हैं। प्रोसीजर में क्या है कि आपको पता है कि इस मेथड में आपको कट्स करनी होंगी। ठीक है, मेंबर को कट करना होगा और एक सेक्शन लगा के मेंबर को कट करना होगा। तो इसको कट किस तरीके से करना है मेंबर्स को, हम वो डिस्कस करेंगे इस प्रोसीजर में। इसमें क्या करना होगा आपको, जो मेंबर आपको जिस मेंबर पे फोर्स निकालनी है उस पर तो आपको कट करना ही करना होगा। ठीक है, उस मेंबर को आप कट करोगे, उसके ऊपर फोर्स जिस पे निकालनी होगी उसको आप कट करोगे और उसके बाद डिसाइड करोगे कि किस जगह से हमें सेक्शन लेके जानी है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। अब उसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस पे हमने निकालनी कैसी है। अगर हम जो है कई बार मैंने जैसे कि बोला कि आपको सपोर्ट रिएक्शन की भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी जो है वैल्यूज़ जो होंगी फोर्स की। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके, हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके हमने फोर्स जो होगी मेंबर पे निकाल लेनी है। और हमें कट किस तरीके से करना है सेक्शन को, सच दैट इट डिवाइड्स द ट्रस इन टू पार्ट्स, ट्रस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इस तरीके से हमने सेक्शन लगानी है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ट्रस को। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए ट्रस, बाकी ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, और सेक्शन जो है शुड नॉट पास थ्रू अ जॉइंट, मतलब एक जॉइंट जो है उसमें से उसके पास से सेक्शन को पास नहीं करना। मतलब अगर इस तरीके से एक सपोज ये एक ट्रस है, ठीक है, सपोज ये एक ट्रस है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि जो सेक्शन है उसको आप जॉइंट से पास करवा लो, इस तरीके से नहीं कट करना है, आपको मेंबर से ही पास करवाना उसको। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जॉइंट जो है उससे पास नहीं करवाना है इसको सेक्शन को। ठीक है, और उसके बाद आपको जो कट मेंबर्स होंगे ये सेम जॉइंट से पास नहीं करते हूँ। ठीक है, सेम जॉइंट से पास नहीं करते हूँ, ये आपको मैं जब न्यूमेरिकल कराती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मतलब यही है कि एक जॉइंट है इस तरीके से, अगर सपोज ये है तो आपको इस तरीके से कट नहीं करना है कि ये सब एक ही जॉइंट से पास कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं होगा, और अच्छे से समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि तीन से ज़्यादा मेम्बर्स ना कट हों। ठीक है, अब आपको कई बार हो सकता है कि तीन से ज़्यादा ही कट करने पड़े, आपके पास और कोई ऑप्शन ही ना, तो आप चार मेंबर्स भी कट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि चार मेंबर्स के साथ भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको सिमेट्री की हेल्प से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो इसीलिए आपको मतलब चार मेंबर्स से भी आप कई बार कर पाओगे। बट मोस्टली आपको ट्राई करना है कि तीन ही मेंबर्स से आप ट्रस को कट करो, सेक्शन को कट करो। ठीक है, अब ये एक न्यूमेरिकल है, हमें फाइंड आउट करनी है फोर्स इन द मेंबर बीजी, बीजी मेंबर पे हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल दिया जाए तो जिस मेंबर पे आपको फोर्स निकालनी है, जैसे ये बीजी मेंबर पे अगर आपको फोर्स निकालनी है तो आप इस पे एक छोटा सा कट लगा लो। मतलब आपको इस जो आपको सेक्शन पास करनी है वो इस मेंबर से तो पास करनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी पे छोटा सा एक कट लगा दिया और उसके बाद जो है सेक्शंस बनाने की कोशिश करनी है। अगर हम इस तरीके से ये सेक्शन बनाएं तो हम देखेंगे कि ये एक जॉइंट से ही सारे के सारे मेंबर्स पास करें, और इवन यहाँ पे चार मेंबर्स जो है वो कट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि तीन मेंबर से अगर नहीं हो पाता है, मतलब कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि तीन मेंबर्स जो हैं वो कट हो पाए, तो आपको चार मेंबर्स के बारे में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम अगला अपना कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से अगर हम इस तरीके से ये जो है यहाँ से अगर हम पास करते हैं इस सेक्शन को, तो हम देखते हैं
फिर से हमारे पास चार मेंबर से ही ये पास हो रही है, और जॉइंट्स जो हैं दो, ठीक है, ये जॉइंट्स यहाँ पे अलग अलग हैं, हर एक मेंबर एक जॉइंट से पास नहीं कर रहा, और दो तीन मेंबर्स जो हैं वो एक ही जॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पे चार मेंबर्स का आ गया, फिर से आपको कोशिश करनी है कि तीन मेंबर वाला जो है कोई सेक्शन हो जिससे आपको कट लगाने का मौका मिले, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन अगर आप देखो, यहाँ पे तीन मेंबर्स से ये जो है तीन मेंबर्स से ये सेक्शन पास कर रही है, ठीक है। आपने तीन मेंबर्स को कट किया है, और उसके साथ आपको ये जो मेंबर्स हैं, तीन मेंबर्स, जैसे ये वाला एक मेंबर और ये एक मेंबर और ये एक मेंबर, है ना, ये जो है ये मेंबर अलग अलग जॉइंट से पास कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों एक ही जॉइंट से पास कर रहे हैं, ये दोनों एक जॉइंट से पास कर रहे हैं और ये एक अलग जॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये एक सेक्शन जो है ये सही है, ठीक है, हमने जो सेक्शन ये लगाई है ये बिल्कुल ठीक है। अब ये सेक्शन लगाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रस को इस तरीके से अलग अलग कर देना है, ठीक है, दो पार्ट्स में, और फिर उसके बाद हमें इसमें से किसी एक को एनालाइज करना है। अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालनी है, बी जी मेंबर पे फोर्स कितनी आएगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम इस पार्ट को एनालाइज करेंगे, हम चेक करेंगे हर एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, हमने ये देखना है, ठीक है। एक एक करके तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं उसको देखना है, और ये जेड डायरेक्शन में होती है, तो हमें ये देखना है कि ये जो है इन तीनों में से किस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये जो मतलब मेंबर है या ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सकता है, इस मेंबर पे फोर्स पता चल सकती है, हमें ये चेक करना है एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको क्या बताना है यहाँ पे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये फोर्स जो मेंबर है ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंप्रेसिव जो मेंबर होगा वो पता है कैसे होगा, जैसे ये एक जॉइंट है सपोज, ठीक है, एक कोई भी जॉइंट अगर हम ले लेते हैं, या फिर ये जी ही अगर हम जॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये जी जॉइंट है, अगर इस पे ऐसे लोड लगा हुआ है 8 kN का, ठीक है, अगर इस तरीके से ये 8 kN का लोड लगा हुआ है, इस मेंबर पे अगर कोई भी इस जॉइंट पे अगर कोई मेंबर इस तरीके से मतलब उसका एरो है, मतलब ये इस मेंबर के इस जॉइंट के कंपैरिजन में जॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मेंबर जो है ये इसको जॉइंट को कंप्रेस कर रहा है ना, इस तरीके से ऐसे एरो के हिसाब से लग रहा है ना, इसको कंप्रेस कर रहा है, मतलब ये मेंबर कंप्रेसिव है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से इस जॉइंट को अगर हम देखें, इस तरीके से ये 8 kN लगा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, ये जो मेंबर है अब ये क्या कर रहा है, इस जॉइंट को एक पुल दे रहा है, ठीक है, तो ये मतलब ये टेंसाइल मेंबर है, जॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो हम अगर ये वाला एरो हमने ऐसे लगाया है, सपोज ये जो मेंबर है हमने इस पे अगर एरो इस तरीके का लगाया है, ठीक है, ये जॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको पुल कर रहा है, तो दूसरा एरो हम इस तरीके से लगाएंगे, मतलब कि टेंसाइल का इस तरीके से टेंसाइल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कंप्रेसिव ये रैंडमली मैं बता रही हूँ बाय द वे, ठीक है, आपको बताने के लिए समझाने के लिए। और अगर कंप्रेसिव होगा ये एरो यहाँ आएगा, तो इसका मतलब दूसरा वाला एरो इस तरीके से आएगा, कंप्रेसिव का एरो इस तरीके से शो होगा और ये टेंसाइल का एरोस होंगे, ठीक है। अब हमें जानना है कि ये मेंबर जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेंबर कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, ठीक है, हमें ये जानना है। और अब हम कैसे जानेंगे, जैसे ये 8 kN है, ठीक है, इसको हमें अपोज करना है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देखो ये जो बीजी है ना इसका एक कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, ठीक है, इसको अपोज करने के लिए इस कॉम्प्लीमेंट को इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये इसको मतलब कि 8 जो है 8 kN जो लोड लग रहा है इसको अपोज करने के लिए इसी डायरेक्शन में ये इसको मतलब एक तरीके से जॉइंट को जो है कंप्रेस करेगा, इस तरीके से आपको शो होगा डायग्राम, तो मतलब कि ये इस तरीके से इसका एरो आएगा और ये मेंबर कंप्रेसिव होगा, ठीक है, मेंबर जो है ये कंप्रेसिव होगा, हमें ये पता चल चुका है अब, ठीक है, मतलब इसका एरो जो है आपको याद रखना है कि इसके एरोज इस तरीके से होंगे इस मेंबर में, ठीक है, जैसे अगर ये मेंबर जो है मैं पूरा कंप्लीट अगर ड्रॉ करती हूँ तो ये इस तरीके से एरोज होंगे, ये याद रखना, और ये कंप्रेसिव होगा, ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके इन इक्वेशंस को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है
कि हमें अगर हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनका सम जो है वो जीरो के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें इसका एक कॉम्प्लीमेंट एक्स डायरेक्शन में भी आएगा ना, इसी का बीजी का। यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये, ठीक है, ये दोनों एरो मैंने इस तरीके से बनाया, बट इसका एरो ऐसे नहीं होगा, आपको याद रखना है, ठीक है, एरो इस तरीके से होगा इसका, ठीक है, आपको याद रखना है, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये दोनों एक्स डायरेक्शन में हैं और ये दोनों ही अननोन है। मतलब हम ये यूज़ ही नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन्स हो जाएंगे हमारे पास। अब हम y की डायरेक्शन में देखें तो y की डायरेक्शन में भी इसका एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, ये एरो मैं इसका सही लगा देती हूँ, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसका और bg का। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमें इसके लिए सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो डी पे आएगी सपोर्ट रिएक्शन, ये रोलर सपोर्ट है ना, तो इस पे सपोर्ट रिएक्शन जो आएगी वो भी हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी अननोन है। हमें ऐसा कुछ देखना है कि हम जो है मिनिमल, मतलब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़े और हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। हमें कोशिश करनी है कि सपोर्ट रिएक्शन निकालने की भी ज़रूरत ना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप निकाल सकते हो, बट कोशिश करनी है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है, अब इसके बाद बच गया हमारे पास मोमेंट के लिए। अब यहाँ पे ये जो है ये एक अननोन है, ठीक है, तो हम अगर इसी पे हम मोमेंट लगा दें, ठीक है, डी पे ही मोमेंट लगा दें, अगर हम जॉइंट जी को हम जो है हम वो देख रहे थे यहाँ पे, तो उसी उसको अब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमने लगानी है मोमेंट जी पे डी पे, ठीक है, ये डी जो है ये अननोन है ना, इसी के ऊपर हमने मोमेंट लगा दी एम डी और ये z डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको जीरो लिख दिया, मतलब d के रिस्पेक्ट में हमने मोमेंट लगा दी। तो ये कैसे आएगा, अब यहाँ पे पहले तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, इस तरीके से एक होगा और एक दूसरा इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एंगल जो है इसको हम थीटा मान के चलते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे f, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं f, ठीक है, ये आ जाएगा f cos थीटा और ये आ जाएगा f sin थीटा, ठीक है, ये बचाएंगे दो। और अब हम देखते हैं इसको मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो f cos थीटा जो है, f cos थीटा ये कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, तो इंटू थ्री, थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं इसको, तो हम देखें तो ये इस तरीके से है और यहाँ से ऐसे है, ठीक है, थ्री मीटर का, ठीक है, और ये इसी डायरेक्शन में है ना ये, तो मतलब ये इस तरीके से रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया और एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो है एफ साइन थीटा जो है, ये कितने डिस्टेंस पे है, सिक्स मीटर के डिस्टेंस पे है, ये है एफ साइन थीटा जो है ये सिक्स मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको भी हम प्लस लिख देंगे, प्लस एफ साइन थीटा इंटू सिक्स, और इसके बाद बच गए यहाँ पे एट किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये कैसे रोटेट करेगा, एट किलो न्यूटन जो है और यहाँ पे है सिक्स मीटर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है सिक्स मीटर, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, माइनस एट इंटू सिक्स, और टू जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगा ना, सिक्स के मतलब सिक्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा टू इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ठीक है। और अब हमें सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इसका एंगल पता होना चाहिए, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा जो है यहाँ पे अगर आ रहा है तो हमें एंगल भी पता होना चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें हमें कौन सा थीटा लिया, हमने ये थीटा लिया, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को सही से अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये आएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये हमने जी जॉइंट है, ये हमने थीटा लिया है, ठीक है, और ये इस तरीके से, और ये जो है ये डिस्टेंस है थ्री मीटर, थ्री मीटर, ठीक है। कैसे थ्री मीटर है, ये देखो थ्री मीटर है ना, ये इस तरीके से थ्री मीटर है, तो ये सामने वाला भी थ्री मीटर ही हो गया, ठीक है। और उसके साथ ये जो है यहाँ पे सिक्स मीटर, ठीक है,
तो इसके ऊपर ये जो सामने वाला है ये भी 6 मीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, ये आ जाएगा 9 प्लस 36, ठीक है, ये आ जाएगा 3 रूट 5, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये हाइपोटेनस। अब हम अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये एंगल है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 3 रूट 5, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना है 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 5, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएंगी। हम कट भी कर सकते हैं, अभी के लिए हम रहने देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ इंटू कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 3 रूट 3 इंटू 3। अब ये अच्छा हुआ हमने कट नहीं किया, क्योंकि ये 3 के साथ कैंसिल भी हो सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 3 अपॉन 3 रूट 5, और इसके साथ 6 भी है, ठीक है, -8 6 48 प्लस, और यहाँ पे भी माइनस है, ये 2 6 12, ठीक है, यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 f अपॉन रूट 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और ये वाला 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 f अपॉन, यहाँ पे ये रूट 5 था, ठीक है, ये गलती से 3 लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा अपॉन रूट 5, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 48 प्लस 12, यानी कि 60 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 12 f अपॉन रूट 5 इज इक्वल्स टू 60, और ये आ जाएगा 5 12 5 60 होता है ना, तो implies that f की वैल्यू आ जाएगी 5 रूट 5, ठीक है, इस तरीके से f की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये हमें मिल गई इसकी वैल्यू, और 5 रूट 5 को अगर हम इसको ओपन करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 11.18 किलो न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे किलो न्यूटन भी आना था, अगर हमें अब हम चेक करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, क्योंकि हमें पता है कि कंप्रेसिव है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, हम पहले ही पता कर चुके हैं कि ये जो ये होगा ये कंप्रेसिव होगा मेंबर, ठीक है?